पीछे जो मन का भाव ही जाता है कि जैसे परिवार का एक आदमी चला गया है। लेकिन बहुत सी व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं जो हमारे काबू में नहीं रहती हैं। कई प्रकार के ऐसे संकट जो हमको देखने को मिल रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा संकट जो है वो हमारे सामने आया है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन, इतने सारे लोगों को मेडिकल ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, ये सोचा नहीं था। हालांकि ऑक्सीजन जो है कुल मिलाकर कमी नहीं है, अगर हम देश भर की सारी बात करें, और मेडिकल एजुकेशन की, लिक्विड एक्वेशन की तो कमी है, लेकिन गैसियस फॉर्म में है हमारे पास। गैसियस फॉर्म की ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है, और अगर दूर दराज के एरिया में ज़्यादा अगर लिक्विड भी है तो वहाँ भी ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत काफ़ी आ रही है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, फिर ले जा करके उसके सिलेंडर्स में रिफिलिंग करना, फिर उसके माध्यम से हर एक इंडिविजुअल पेशेंट को सप्लाई पहुंचाना, नए हॉस्पिटल भी जो हम बना रहे हैं उसकी भी जो सप्लाई है वो भी अपने आप में एक बड़ा काम है। तो इस नेटवर्क को तैयार करने के लिए लगातार हम लगे हुए हैं।